नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया। इस वक्त हम आपको बता दें कि ताराजोरी पंचायत के केंदुआ गढ़ा केंदुआ टाँड में हैं, और इस वक्त आपको बता दें कि रितलाल टुडू, जिसका घर जल गया था अभी से दो दिन पहले, समाधान इंडिया ने बड़े ही प्रमुखता से इस खबर को भी दिखाया था, जिसके बाद से असर भी देखने को मिला है। यहाँ पर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद आज रितलाल टुडू के घर वालों से मिलने आए हैं, और कुछ आर्थिक सहयोग भी किया गया है, कुछ अनाज भी मुहैया कराया गया है। और यहाँ पर जो है सो डॉक्टर सरफराज अहमद गांडे विधानसभा यहाँ मौजूद हैं, और तमाम जो हैं सो कई नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद हैं, और रितलाल टुडू के परिवार वालों से आज डॉक्टर सरफराज अहमद यहाँ मुताबिक हो रहे हैं और मिल रहे हैं। स्थिति यह है कि रितलाल टुडू वाकई में काफ़ी गरीब व्यक्ति थे, इनका घर पूरी तरीके से जलकर राख हो गया था, कुछ पैसे भी जले थे, लाखों रुपये की संपत्ति का भी जो है सो नुकसान हुआ था। डॉक्टर सरफराज अहमद इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप यहाँ आए हैं रितलाल टुडू के घर वालों से मिलने के लिए, और देख रहे हैं कि कुछ अपने अपने स्तर से सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे साथ बहुत दुखद घटना है जी। एक गरीब आदमी का सब कुछ जल गया, घर द्वार जो अनाज उनाज था बेचारे का, कुछ नहीं, जो सिर्फ पहना हुआ वही कपड़ा करके किसी तरह हम लोग को पता चला। परसों भी हमने आदमी भेजा था, कल भी भेजा था, और सीओ साहब हमारे साथ आए हैं। हमारे नए सीओ साहब कहाँ गए? हाँ, जरा हटो यार। और इनको पिटीशन आज दिया जाएगा, मूल्यांकन करवाएंगे, और उसका जो भी इनका नुकसान हुआ है उसकी सूची अनुशंसा करके जिला में भेजेंगे, डीसी साहब से हम बात करके, और प्रयास करेंगे जितना नुकसान हुआ उसका भरपाई इनका किया जाए। रही बात थोड़ा बहुत जो अभी फिलहाल जो इसको दिक्कत है खाने पीने की, कपड़ा उपड़ा की, वो हम लोगों ने किया है, कुछ आर्थिक मदद भी किया है, कुछ अपना सब्जी उब्जी सब के लिए करने के लिए, और निश्चित रूप से इसको रहने का कुछ व्यवस्था हम लोग भी करवाएंगे, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। साथ साथ हमारे जो भाई ने जो दिक्कत है पानी की यहाँ पर, जो जिसके तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है, और चूँकि अभी अगर होली के कारण जहाँ जहाँ बोरिंग हो रहा था, अभी कुछ दिनों के लिए, चार पाँच दिनों के लिए काम रुक जाएगा, चूँकि ये गाड़ी वाले सब बाहर वर के हैं, और जैसे वो लौटेंगे तो इनका ऑलरेडी इस पंचायत में जिस गाँव में जहाँ ये कह रहे हैं लिस्ट में उसका नाम है, और जितना जल्दी होगा लौटने के बाद प्रायोरिटी के हिसाब से इनके यहाँ वो चापाकल लगेगा। मैंने कल्याण विभाग में रोड के बारे में कुछ पुल पुलिया के बारे में लिख के अनुशंसा करके हमने भेजा है, कल्याण विभाग सैंक्शन करेगा, रांची से उसका पैसा आएगा, तो जो भी दिक्कत है उसकी पूर्ति हम की जाएंगे। ये हम नहीं जानते हैं कि जो इतना बहुत दिनों से इस इलाके में क्या हुआ है, नहीं हुआ क्या, ये तो खुद ही एक बता पाएंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे अपने तौर से, क्योंकि एक साल तो कोरोना में ही सरकार का निकल गया, और अभी भी मुख्यमंत्री आए थे, हम लोग वहीं गए थे मधुपुर, उन्होंने कहा है कि जो साल बर्बाद हुआ है और जो आने वाले सालों में जो आर्थिक हमारा व्यवस्था रहेगा उसके हिसाब से जो बकाए काम है उसको हम लोग बहुत तेज़ी के साथ पूरा करने का कोशिश करेंगे। दिक्कतें सब मेरे को पता है, इस बेंगाबाद की या गांडे की या जो इस क्षेत्र में जो इलाके आते हैं, कहाँ रोड बनना है, कहाँ पुलिया बनना है, कहाँ पर पानी की दिक्कत है, कहाँ तालाब है, वो सब इन लिस्ट बना हुआ है, और जैसे जैसे आर्थिक व्यवस्था दुरुस्त होगी वो काम इन लोगों का होगा। पिछले 10 सालों में क्या हुआ, 5 सालों में क्या हुआ, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि अपने रहते रहते इसी काल में जितना अधिक से अधिक जो इनकी दिक्कतें हैं उसको मैं पूरी करूँगा। मैं इनको यह स्पष्ट करना चाहता हूँ, इन साथियों को। जोंडा बेड़ा में भी सर आपने एक ही दिन में लोगों को पानी की व्यवस्था दी थी, और वाकई में एक बहुत ही सराहनीय पहल था, यहाँ के लोग भी कह रहे हैं पानी के लिए बिल्कुल, तो मैं उसको अभी लंब जी, इन्होंने मेरे नोटिस बुलाया है, देखिए लिस्ट में तो ऑलरेडी हम दिए हुए हैं, लेकिन जैसे शुरू होगा पहला काम यही होगा, ये मैं इनको आश्वस्त करूँगा। हमारे साथ रितलाल टुडू हैं, जिनका घर जला था, आज आपके घर भी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद पहुँचे, उन्होंने कुछ आर्थिक मदद भी किया है, आपको अनाज भी मुहैया कराया गया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दे दिया तो देख, अनाज भी दिया है, कुछ भी कपड़ा लता दिया है, कुछ उसके व्यवस्था कर दिया है, लेकिन अभी हम फिलहाल में चाहते हैं अभी रहने के लिए कोई तिरपल नहीं है, कि जला हुआ कपड़ा से हम घर बनाए, अभी झोपड़ी लगा दिया है। अच्छा, आप इसी घर में भी रह रहे हैं? हाँ, इसी घर में रहते हैं अभी। अच्छा, तो उसी हम सोच रहे हैं, इतना धूप रहता है, इतना कड़ा धूप है, हवा भी बह रहा है, कि कभी हवा उड़ जाता तो उड़ा के चला जाएगा, क्या करेंगे हम उस समय, मेरा पास कुछ नहीं है तो क्या करेंगे हम। अच्छा, इस तत्काल में अभी तो कुछ मदद आपको मिली है, और भी आप चाहते हैं कि आपका घर वगैरह ठीक तरीके से बन जाए? हाँ, वही तो हम घर चाहते हैं, जल्द से जल्द जल्दी होना चाहिए हमको घर में, किसी वाला से घर हमको चाहिए, रहने वाला बच्चा है मेरा, दो बच्चा है, उसको भी
तो किसी घर में जाएंगे तो बोलेगा, दो बात सुनेंगे हमको, इसलिए तो बोल रहा अपना घर आएंगे तो किसी तरफ करेगा। अच्छा, विधायक जी अभी आपके पास आए तो आपको कैसा लगा? आप उन्होंने मदद भी किया है और भी आने वाले समय मदद करने की बात कही है, क्या कहना चाहेंगे? तो हाँ, विधायक जी आया तो हम लोग के लिए साथ दिया है, साथ देने के लिए कुछ उसका अनाज भी ला के दिया है। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर सरफराज अहमद यहाँ पहुँचे थे और जो रितलाल टुड्डू हैं उनके परिजनों को, रितलाल टुड्डू को आर्थिक सहयोग भी किया गया है, कुछ अनाज भी दिया गया, साथ ही विभाग के द्वारा दिया जाने वाला मदद करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। देखते रहिए समाधान इंडिया, कैमरा पर्सन महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, केंदुआ टाणा।